वेलकम टू स्टेप अप आईएएस 700 प्लस मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस के सेशन 8 में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहां पर हम लोग पता लगाएंगे कि कैसे हम राइट ऑप्शन को गेस कर सकते हैं। एग्जाम बहुत पास आ रहा है, फियर लेवल बढ़ता जा रहा होगा, लेकिन ट्रस्ट मी, फियरफुल होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इस सेशन में बने रहिए, एटलीस्ट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको यहाँ से ज़रूर पता चलेंगे कि वहाँ से क्वेश्चंस आने की पूरी पूरी संभावना है, उसको तैयार कर लेना है आपको पूरी तरीके से। और इस सेशन के बारे में जानते हैं, सबसे पहले हम आपको बताएं कि आज हम एनवायरमेंट पर ही डिस्कस करने वाले हैं, बिकॉज आपको जैसा पहले बताया गया था, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, पॉलिटी, ये सारे बहुत इम्पॉर्टेंट और फेवरेट फील्ड्स हुआ करते हैं यूपीएससी के खास करके, ठीक है। तो इसमें आज का हमारा टॉपिक होगा आईपीसीसी, बेजल कन्वेंशन, ग्लोब, पोल्यूशन मैनेजमेंट, एनवायरमेंट, हेल्थ प्रोग्राम, इतना बड़ा सा नाम है, क्या होता है ये, कौन रिलीज करता है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। और आज का सेशन थोड़ा सा लंबा होने वाला है बिकॉज क्वेश्चंस ज़्यादा शामिल किए गए हैं, बिकॉज अगर हमें 700 क्वेश्चंस के टारगेट को पूरा करना है तो हमें जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देखना पड़ेगा। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि क्यों इम्पॉर्टेंट है ये सारे टॉपिक्स, और जो हमारा बेस्ट अप्रोच है इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने का, जो हमारा एक टारगेट है कि आपको सिखाया जाए कैसे हम करेक्टिव मेथड, निगेशन मेथड, एसोसिएटिव मेथड से राइट ऑप्शन को गेस कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस अप्रोच पर बने रहिए, और आपको इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ साथ ये भी सीखना है कि आप एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर ले जाएंगे जो आपने सुना भी नहीं है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। आईपीसीसी पर बेस्ड है, इसका फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप जब क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो उसमें एक वर्ड अगर लिखा हुआ है, इसे यहाँ पे लिखा हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट, तो ये इस वर्ड पर हमें रुकना है, आईपीसीसी पर हमें रुकना है और सोचना है कि क्या कोई फैक्ट मुझे इसका याद आ रहा है। बिना स्टेटमेंट को पढ़े पहले आप यहाँ पर रुकेंगे। जो मुझे फैक्ट याद आ रहा है वो ये है कि ये एक असेसमेंट रिपोर्ट निकालती है, ठीक है, ये मुझे याद आ रहा है। अब आइए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पहला स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि एक लीडिंग इंटरनेशनल बॉडी है फॉर असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो ये बिल्कुल सही लग रहा है, इसमें गलत होने की कोई संभावना तो है नहीं। आप कोई लॉजिक फिट कीजिए ये गलत करने का, तो मुझे नहीं लगता कि ये गलत है, तो ये सही स्टेटमेंट लग रहा है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो सब में होना चाहिए। आइए देखते हैं किसमें है पहला स्टेटमेंट। तो ए, सी और डी, ये तीन ऑप्शन मिल रहे हैं जिसमें कि वन ऑप्शन है, मतलब बी को हटा दीजिए, तीन में से चुनना है। दूसरा स्टेटमेंट है, दिस इज़ अ इंटर गवर्नमेंटल बॉडी अंडर यूनाइटेड नेशन, तो यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत आती है ये बॉडी आईपीसीसी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्या वन एंड टू का ऑप्शन है, तो बिल्कुल है, डी ऑप्शन है वन एंड टू। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, क्या ये गलत लग रहा है आपको। इट वॉज फॉर्म्ड बाय WTO एंड UNEP। देखिए, UNEP तो हो सकता है, अगर हम सेकंड स्टेटमेंट को सही मान रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत आती है, बहुत सारे लोगों को ये बात पता होगी आईपीसीसी के बारे में, तो ये UNEP तो हो सकता है, लेकिन क्या WTO है जो आईपीसीसी में कुछ काम करती होगी, बिकॉज WTO का तो पूरा इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट चलता है। तो यहाँ पर मुझे ये स्टेटमेंट गलत लग रहा है, मेरे हिसाब से तीसरा वाला जो है वो गलत होना चाहिए। और अगर आप लोगों को पहले से ये बात पता थी कि तीसरा स्टेटमेंट गलत है, तो आप सीधा तीसरे को एलिमिनेट करने के बारे में सोच सकते थे, तो यहाँ पर आपका बी और सी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता डायरेक्ट। तो आइए पहले हम आंसर देख लेते हैं कि क्या है। आंसर इज डी, डी मतलब वन एंड टू, इसका मतलब तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, यहाँ पर WTO नहीं है। तो आपको फटाफट से जाना है, आईपीसीसी के बारे में पता करना है और ये पता लगाना है कि इसको कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशन मिलकर के फॉर्म करती है, निकालती है UNEP के साथ, दूसरी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, ये आप पता लगाएंगे और कमेंट करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेजल कन्वेंशन के ऊपर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ याद आ रहा है बेजल कन्वेंशन से? हाँ, शायद आपको कुछ और कन्वेंशन का नाम ज़रूर याद आ गया होगा, रोटरडम कन्वेंशन और स्टॉकहोम कन्वेंशन, तो BRS के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बट हम यहाँ पर बात सिर्फ बी की कर रहे हैं, दैट इज़ बेजल कन्वेंशन। तो इससे जो चीज़ें याद आ रही हैं वो हजार्डस वेस्ट को रोकने का कुछ ये काम करता है कन्वेंशन, उसी पर लाया गया था। तो आइए पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इट एम्स इज़ टू रिड्यूस द मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट, हजार्डस वेस्ट को रोकना है बिटवीन द नेशन, एक नेशन से दूसरे नेशन में जाने से, पहला स्टेटमेंट तो ये बता रहा है, ये तो सही लग रहा है, बिकॉज जो हमारा गेस्ट था उसके हिसाब से पहला वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट है, इट डज नॉट एड्रेस द मूवमेंट ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट। तीसरा स्टेटमेंट है, इट इज़ अ लीगली बाइंडिंग इन नेचर।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम तीसरे स्टेटमेंट में शायद कन्फ्यूज हो सकते हैं कि ये लीगली बाइंडिंग है या नहीं। अगर आपको डायरेक्ट पता है कि लीगली बाइंडिंग नहीं है, तो मुझे ये बात पता है कि ये जो बेजल कन्वेंशन है वो लीगली बाइंडिंग नहीं है। आपको अगर पता नहीं है तो याद कर लीजिए कि लीगली बाइंडिंग नेचर इसका नहीं है, तो यहाँ पर हम तीसरे वाले को एलिमिनेट कर सकते हैं। देखते हैं एलिमिनेशन से अगर हमारा आंसर निकल जाए तो तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर तीन जगह पर गिवन है। देखिए हमें एक ही ऑप्शन पता है, इसको हम करेक्टिव मेथड बोल सकते हैं। तीसरा वाला ऑप्शन मुझे एग्जैक्टली पता है कि ये बाइंडिंग नेचर नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन में लिखा हुआ है कि नेचर में है, इसका मतलब मैं इसको एलिमिनेट कर दूंगी, मेरा आंसर डायरेक्ट निकल जाएगा विच इज सी। सी इज द राइट आंसर, मतलब ऊपर के जो दोनों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो आप लोगों में से कुछ लोगों को अगर ये बात नहीं पता है तो ज़रूर इसको पता रखिए, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भी वेजल कन्वेंशन के ऊपर है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इसमें से कौन सा ऐसा वेस्ट है जिसको कि कंट्रोल किया गया है ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट में, मतलब एक नेशन से दूसरे नेशन तक जाए, इसमें इसको रोका गया है, तो इस वेस्ट का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। बायो मेडिकल हेल्थ केयर वेस्ट, इंसिनेटर ऐश, यूज्ड ऑयल और हाउस होल्ड वेस्ट। अब देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में हमें एक बात पता चली थी जब हमने सही आंसर गेस किया था कि यहाँ पर रेडियो एक्टिव वेस्ट को नहीं लिया गया है, नहीं एड्रेस करता ये बेजल कन्वेंशन। क्या इनमें से कोई भी ऐसा वेस्ट है जो रेडियो एक्टिव हो? तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा वेस्ट यहाँ पर लिखा है जो रेडियो एक्टिव है। इसका मतलब कोई भी हजार्डस वेस्ट इसके अलावा, रेडियो एक्टिव के अलावा, इस कन्वेंशन में शामिल किया गया है, तो मेरे हिसाब से ऑल ऑफ देम शुड बी द राइट आंसर। देखते हैं आंसर क्या है। यस एब्सोल्युटली ऑल ऑफ देम। तो आप याद रखिए सिर्फ कि रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को, पदार्थ को निकाल दीजिएगा जब भी बेजल कन्वेंशन का नाम आए, और उसके अलावा जो भी और वेस्ट आपको नजर आए वो इसमें शामिल कर लिया जाएगा ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सल्फर डाइऑक्साइड से रिलेटेड। न्यूज़ में ये सब चीज़ें बनी रहती हैं, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये न्यूज़ में क्यों था। आपको मालूम होना चाहिए कि अभी इंडिया का नंबर टॉप लिस्ट में आ सकता है सल्फर डाइऑक्साइड के एमिशन को लेकर के, इस वजह से न्यूज़ में था काफ़ी ये। हम यहाँ पर इसका बेसिक देखेंगे कि गवर्नमेंट के कौन कौन से इनिशिएटिव रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड के एमिशन को रिड्यूस करने के। ठीक है, आइए पहला स्टेटमेंट देखते हैं। इट इज़ वन ऑफ द पॉल्यूटेंट्स बीइंग मेजर इन एयर क्वालिटी इंडेक्स। क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स में रखा गया है सल्फर डाइऑक्साइड को? आपको याद आ रहा है SO2 है, तो भाई इसके लिए तो ये इंडेक्स याद होना चाहिए। मुझे तो याद आ रहा है कि SO2 को रखा गया है। ठीक है, अब क्या मेरा आंसर निकल रहा है पहले स्टेटमेंट से अगर मैं कंफर्म हूँ तो यहाँ पे खैर दो तो मैं एलिमिनेट कर पा रही हूँ, ए और डी एलिमिनेट हो गया है, बी और सी में अभी भी कन्फ्यूजन बना हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इसमें सेस लगाया गया है कोल के प्रोडक्शन में 400 रुपीस पर टन के हिसाब से सेस लगाया गया है इसको रिड्यूस करने के लिए। अब ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास एग्जैक्टली नहीं है कि ये सही होगा। तीसरे स्टेटमेंट पर आते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ भारत स्टेज 9, ये तो लाया ही गया है सल्फर डाइऑक्साइड के एमिशन को कम करने के लिए, इसमें तो 100% श्योर आप भी होंगे। तो अगर आपको सिर्फ 3 पता है तो क्या आप आंसर निकाल सकते हैं? देखिए आपका पहला वाला तो एलिमिनेट हो गया एयर क्वालिटी इंडेक्स के बेसिस पर, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन गिवन है 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन गिवन है सी में। दैट मीन्स आंसर इज सी, यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। अगर आपको नहीं मालूम है कि गवर्नमेंट के कौन कौन से स्टेप हैं, देखिए आप इसको अपने आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम प्रीलिम्स की बात तो कर ही रहे हैं, बट अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, जो लोग इस बार एग्जाम नहीं दे रहे हैं, तो इन फैक्टर्स को आप याद रखें। गवर्नमेंट के स्टेप्स रहे हैं, सेस लगाया गया है, ज़रूर याद रखिएगा, कोल प्रोडक्शन पर एयर क्वालिटी इंडेक्स को लॉन्च किया गया है, इसमें SO2 को पॉल्यूटेंट माना गया है, और भारत स्टेज 9 में को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। आपको याद होगा हम 4 से सीधा 6 पर स्विच कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इससे काफ़ी ज़्यादा एमिशन हमारा कम हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड का। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है ग्लोब से एसोसिएटेड। ग्लोब का सबसे पहले हम फुल फॉर्म देखेंगे, ग्लोबल लर्निंग एंड ऑब्जर्वेशन टू बेनिफिट द एनवायरमेंट। पहली बात किसकी हो रही है? लर्निंग एंड ऑब्जर्वेशन की हो रही है, सीखने की बात हो रही है। और दूसरा क्या है कि बेनिफिट कर पहुंचाना है किसको? एनवायरनमेंट को। ये पूरा फुल फॉर्म है ग्लोब का, इसी के अराउंड हमारा पूरा क्वेश्चन होगा और आंसर भी यहीं से निकलेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, आपने नहीं सुना इसके बारे में, फिर भी हम इसको पढ़ के देखते हैं। नासा हैज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एडमिनिस्ट्रिंग द गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट एंड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ ग्लोब इम्प्लीमेंटेशन ऑफिस। तो ये जो पूरी जिम्मेदारी है ये नासा के पास है इस ग्लोब को इम्प्लीमेंट करने की, चूंकि ये करंट अफेयर्स का फैक्ट है, तो अब यहाँ पर हमें ये बात पता होनी चाहिए कि नासा इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं। तो आपको यहाँ पर 50-50% का चांस लेना पड़ेगा। ठीक है,
अगर आप इसको सॉल्व कीजिए, मैंने कहा है गोला भरना है या नहीं भरना है वो लास्ट में डिसाइड कीजिएगा, पहले इसको सॉल्व करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोग्राम विद यूएस। तो भाई अब एक चीज़ यहाँ से कन्फर्म हो रही है कि यूएस का नाम लिखा हुआ है, नासा इधर लिखा हुआ है, मतलब हो ना हो नासा का ऑप्शन सही माना जा सकता है। अगर आपको चांस लेना है तो आप पहले वाले को सही मान सकते हैं। देखिए बहुत सारे लोग एक और कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि इतना बड़ा स्टेटमेंट है तो गलत नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, कई बार वो गलत भी हो जाता है बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो सही भी होता है। तो यहाँ पर हम चलिए इस सेकेंड स्टेटमेंट के बेसिस पर मान लेते हैं कि पहला स्टेटमेंट हमारा सही होगा, लेकिन क्या इस फुल फॉर्म के हिसाब से सेकेंड स्टेटमेंट सही है? यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी लिखा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ठीक है पढ़ाई लिखाई का काम देखती है, लेकिन ये एनवायरमेंट के ऑब्जर्वेशन पर क्यों काम करेगी मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी? पर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री अगर रखा जाए तो शायद ज्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से। आइए ऑप्शन देखते हैं क्या है, विच इज ए ओनली, इसका मतलब वन ओनली इज द राइट आंसर, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट होना चाहिए। बट आई सजेस्ट यू कि एक बार जरूर आप ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे बिकॉज इंपॉर्टेंट है, करंट में बना हुआ है, तो प्लीज के बारे में पढ़े जा करके। और नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिक से है, बायो एक्यूमुलेशन मैग्निफिकेशन आपने कई बार पढ़ा होगा एनवायरमेंट में, तो पहले उसको रिवाइज कीजिए कि आपको याद आ रहा है क्या होता है एक्यूमुलेशन। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो सिर्फ आप इस वर्ड पर टिके रहें, एक्यूमुलेशन मैग्निफिकेशन, ठीक है, इस वर्ड को बस ध्यान में रखिए, डरने की आवश्यकता नहीं है। पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि इट अकर्स अक्रॉस डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन, अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पर होता है ये जो बायो एक्यूमुलेशन है, इसमें ये बताया जा रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो कई बार आप इस तरीके से डायग्राम बनाने की भी कोशिश कीजिए, अगर आप इसको दिमाग में पिक्चराइज नहीं कर पा रहे हैं तो डायग्राम में बनाने की कोशिश कीजिए कि इसमें क्या कहा जा रहा है। ट्रॉफिक लेवल आपको मालूम होगा। आगे बड़ी दूसरा स्टेटमेंट है, बायो मैग्निफिकेशन अकर्स व्हेन एन ऑर्गेनिज्म अब्सॉर्ब्स अ टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम ऑल सोर्सेस। इसमें कहा जा रहा है मैग्निफिकेशन में कि पूरे सोर्स से, हर अलग अलग सोर्स से ये टॉक्सिक सब्सटेंस को अब्सॉर्ब करता है एक लेवल पर। मुझे लग रहा है कि ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं बिकॉज इसको ऑपोजिट कर दिया गया है। एक्यूमुलेशन का अगर आप मतलब समझना चाहेंगे तो इसी का एक्यूमुलेट मतलब जमा होना, कई जगह से आकर के एक्यूमुलेट हो जाना, हम कहते हैं ना ये चीज़ें यहाँ पर एक्यूमुलेट हो गई हैं। तो यहाँ पर अगर हम सेकंड स्टेटमेंट में एक्यूमुलेशन रखते हैं तो वो फिट बैठ रहा है, और मैग्निफिकेशन का मतलब होता है मैग्नीफाई होना, कोई भी चीज़ एक लेवल से ज़्यादा दूसरे लेवल पर ज़्यादा हो जाए, मैग्नीफाई हो जाए, मतलब कोई चीज़ मान लीजिए इतनी बड़ी है तो वो और ज़्यादा बड़ी हो गई, तो ये तभी होगा जब वो अपने लेवल से ऊपर के लेवल पर चली जाएगी। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो लग रहा है मैग्नीफिकेशन का सही होना चाहिए, आंसर देखिए डी, मतलब इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, मतलब जो स्टेटमेंट है वो ऑपोजिट किया हुआ है। तो इसको आपको समझना है एक्यूमुलेशन क्या होता है और मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैंने आपको बताने की कोशिश की, आप खुद से भी एक बार इसको ज़रूर पढ़ेंगे। और अब अगला क्वेश्चन है करंट्स एसोसिएटेड बीटी कॉटन के ऊपर। देखिए न्यूज़ में बहुत बना हुआ है बीटी कॉटन, इस बार हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट में भी अभी केस चल रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी वर्डिक्ट दिया था, फिर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, मोनसेनाटो जो कंपनी है जो सीड प्रोवाइड करती है फार्मर्स को, उसका पूरा केस है ये बीटी कॉटन के ऊपर। तो यहाँ पर तीन स्टेटमेंट बेसिक से लिया गया है, उसको हम देख लेते हैं। बीटी कॉटन इज द ओनली जीएम क्रॉप अप्रूव्ड फॉर कॉमर्शियल कल्टिवेशन इन द कंट्री, ये एकमात्र ऐसा क्रॉप है जिसपे कॉमर्शलाइजेशन अलाउ किया गया है। अब आपको ये कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को पता नहीं होगा। सेकेंड स्टेटमेंट पर इट इज एन इंसेक्ट रेजिस्टेंस ट्रांसजेनिक क्रॉप डिजाइन टू कॉम्बैट द बॉल वॉर्म, तो ये स्टेटमेंट तो सही लग रहा है। देखिए जेनेटिकली मॉडिफाइड किसी भी क्रॉप को बनाने का मतलब ही यही होता है, जैसे कि एक बार हमने न्यूज डिस्कस किया था बीटी ब्रिंजल के बारे में, तो उसको बनाने का मुद्दा ही पूरा यही था कि जो वॉर्म वगैरह लग जाते हैं, कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, वो चीज़ें ना अटैक कर पाए, जो पेस्ट अटैक होता है वो ना कर पाए, और जो फसल है वो बहुत दिनों तक और अच्छा रह पाए। तो ये तो एक मुद्दा होता है किसी भी चीज़ को जेनेटिकली मॉडिफाइड करने का, उसको एडवांस बनाने का। तो सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही लग रहा है। क्या हम सेकेंड स्टेटमेंट से ऑप्शन गेस कर सकते हैं? देखिए सेकेंड कहाँ कहाँ पर है वो आंसर होगा, क्योंकि करेक्ट पूछा गया है। तो यहाँ पर पहला वाला तो हटा दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए, तीसरा वाला एलिमिनेट कर दीजिए, बी और सी में आंसर ढूंढना है, तीसरा स्टेटमेंट देखना पड़ेगा। बीटी कॉटन वॉज इंडियाज फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप, ये स्टेटमेंट तो श्योर है 100%, अगर आपको याद होगा तो सही है। बीटी कॉटन एक पहला ट्रांसजेनिक क्रॉप है जिसको कि कॉमर्शलाइज किया गया है इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही गिवन है, जिसके बारे में और भी डिटेल्स अगर आप पढ़ना चाहें तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं बीटी कॉटन से रिलेटेड। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए, कल हमने इस पर डिस्कशन किया था, आई होप आपको याद होंगी चीज़ें।
चीता को लेकर के हमने कल कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज डिस्कस किया था और मैंने वहाँ पर आपको एक हिंट भी दिया था जिस पर आज क्वेश्चन है। तो आप इन चीज़ों पे लापरवाही ना करें, इसलिए इन टॉपिक्स को इसमें रखा जाता है। ज़रूर पढ़ लें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ कल डिस्कस किया था कि री इंट्रोडक्शन हो रहा है चीता का, इस वजह से चीज़ें न्यूज़ में बनी हुई हैं। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, एशियाटिक चीता इज़ एक्सटिंक्ट इन इंडिया। भाई रीइंट्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, जब यहाँ पर एक भी नहीं बचा है तभी तो ज़रूरत पड़ेगी रीइंट्रोडक्शन की। तो पहला स्टेटमेंट इस हिसाब से तो सही होना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट है, नौरादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन गुजरात। अब आपने सोचा कि नौरादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। यहीं पर इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में चीता को लाने का प्लान किया जा रहा है। तो क्या ये गुजरात में सिचुएटेड है नौरादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? मुझे लगता है कि ये गलत होना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं आंसर क्या है, ए। दूसरा वाला गलत इसलिए है बिकॉज नौरादेई जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अभी याद कर लीजिए, ये MP में सिचुएटेड है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेटेड टू नामदफा नेशनल पार्क इज अ फेमस फॉर बीइंग द ओनली नेशनल पार्क इन इंडिया टू हैव 4 बिग कैट स्पेसीज। देखिए क्वेश्चन में भी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की जा रही है। 4 बिग कैट स्पेसीज पाई जाती हैं नामदफा नेशनल पार्क में, कौन कौन सी हैं? लियोपार्ड, टाइगर, क्लाउडेड लेपर्ड, स्नो लेपर्ड। ध्यान से देखिएगा इन स्पेसीज का नाम, ये कौन से राज्य में सिचुएटेड है, लोकेटेड है नामदफा नेशनल पार्क? बहुत सारे लोगों को याद आ गया होगा ऑप्शन देखते ही, असम, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। आइए, अगर किसी को याद नहीं आ रहा है तो कैसे हम इस पे गेस करेंगे, अगर बिल्कुल याद नहीं आ रहा कि कहाँ पर है, कन्फ्यूजन अगर बन सकता है तो आपको इससे पहले तो एलिमिनेट कर देना है कुछ ऑप्शन को। वो आप कैसे एलिमिनेट करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन पर जाएंगे, क्लाउडेड लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड। तो अगर हम क्लाउडेड को नहीं भी गेस कर पा रहे हैं तो स्नो लियोपार्ड तो ठंडी जगह पर ही होगी, तो असम में तो सॉरी गुजरात में तो होने का सवाल पैदा होता नहीं है। अब गुजरात को यहाँ पे हटा सकते हैं। अब ये तीनों जो स्टेट हैं ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, ठीक है। अब इसमें आप नामदफा स्क्वायरल का आपने नाम सुना होगा, वो भी न्यूज़ में हमेशा होता है नामदफा स्क्वायरल, और वो असम में तो नहीं पाया जाता। मतलब अगर आपको ये लोकेशन याद नहीं आ रहा कि नामदफा कहाँ है तो ये असम में स्क्वायरल की बात तो हम नहीं करते, तो हम ए को भी हटा सकते हैं। और अब ऑप्शन बचा सी और डी, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। अब अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा इसमें से कौन सा होगा तो फिर भी आप थोड़ा गेस कर सकते हैं कि यार ये स्नो लेपर्ड वगैरह तो हिमालयन वाले रीजन में पाए जाते होंगे और यहाँ पर इतने सारे बिग कैट स्पेसीज रहते हैं, तो हो सकता है कि जो ईस्टर्न हिमालय वाला रीजन हो वहाँ पर ये नेशनल पार्क सिचुएटेड हो, तो उसके हिसाब से ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश होना चाहिए मैक्सिमम गेस लगाने के बाद। लेकिन अगर आपको एकदम गलत ही करना है आंसर तो आप इसको डी भी चूज कर सकते हैं, बट हमारा आंसर यहाँ पर होगा सी, विच इज़ अरुणाचल प्रदेश। तो आपको ये सिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि एट एनी कॉस्ट कैसे भी रीज़न को डेवलप करना है और वो रीज़न आपके इस क्वेश्चन के आसपास घूमना चाहिए। कोई ऐसा आप लॉजिक और रीजनिंग ना लगाएं जो कि बिल्कुल मैच ही ना कर रहा हो और आपका आंसर गलत हो जाए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है लेकिन फैक्चुअल है, आपको आता होगा या नहीं आता होगा। तो आइए, अगर हम एक दो आंसर भी इसमें एक दो भी गेस कर पाते हैं तो शायद हम आंसर निकाल पाएंगे। टाइगर रिजर्व हमेशा न्यूज़ में होता है और कवल टाइगर रिजर्व तो स्पेशली न्यूज़ में है अभी, ठीक है। यहाँ पर एक टाइग्रस की वजह से ये कवल टाइगर रिजर्व न्यूज़ में था, तो इसमें बताया जा रहा है कि ये तेलंगाना में है। दूसरा है मुकंदरा हिल टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में है, और उड़ंती सीता नदी टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में है। तो देखिए इसमें अगर गेस करना है तो पहला ऑप्शन अगर आप में से किसी को भी पता है, ये पता है मुझे अभी न्यूज़ में था कवल टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है, स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर सही है। अगर आपको नहीं पता है तो आप दूसरे ऑप्शंस पर इस पे जा सकते हैं। तीनों में से अगर एक भी नहीं पता तो नाम से ढूंढने की कोशिश कीजिए। अगर आप इसमें उड़ंती सीता नदी टाइगर रिजर्व को देखें तो ये किसी ट्राइबल एरियाज का लग रहा है कि वहाँ पर वो जो रीज़न हो वो ट्राइबल रीज़न हो सकता है, तो ये ओडिशा मध्य प्रदेश वाला अगर ऑप्शन मिले तो शायद ज़्यादा मज़ा आएगा। तमिलनाडु में ऐसे नाम तो शायद हमें देखने को नहीं मिलते हैं, अगर आपको टाइगर रिजर्व का नाम नहीं भी याद है तब भी। तो तीसरे वाले को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। जब इसको एलिमिनेट करेंगे तो मेरे पास दो ऑप्शन बचता है, ए और सी का। ए में 1 और 2 का ऑप्शन है और सी में 2 का ऑप्शन है। अब एक्चुअली यहाँ पर मुझे पता है कि कवल टाइगर रिजर्व जो है वो तेलंगाना में ही है, तो पहला वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सही होना चाहिए। इस हिसाब से मेरा आंसर तो निकल गया ए,
दैट इज़ वन एंड टू. अब आपको ऐसे ही गेस करना है, किसी भी लॉजिक रीजनिंग से गेस करना है और आप वहाँ पर आंसर ढूंढ के निकालना है. लेकिन हाँ, याद ज़रूर कर लें, ये तीनों टाइगर रिजर्व न्यूज़ में है. सीता नदी टाइगर रिजर्व जो है ये छत्तीसगढ़ में है, यहाँ पर आप करेक्ट कर लीजिए इसको, छत्तीसगढ़ में है, तमिलनाडु में नहीं है. बाकी जो दोनों ऑप्शन है बिल्कुल सही है एज़ पर द आंसर. आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है. वन लाइनर है लेकिन बहुत बड़ा सा नाम लिखा हुआ है, पॉल्यूशन मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंट हेल्थ प्रोग्राम. किसका हो सकता है ये हेल्थ प्रोग्राम? पहले तो ऑप्शन पर जाना पड़ेगा. यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक, WHO, नन ऑफ देम. तो भाई नन ऑफ देम वाला तो कोई ऑप्शन होता नहीं है. अगर ये आपको एग्जैक्टली पता है तभी आप गेस कर पाएंगे कि हाँ ये नन ऑफ देम हो सकता है, अदरवाइज तो इन्हीं तीनों में से एक चुनना पड़ेगा. और हाँ, नन ऑफ देम वाले जो क्वेश्चन होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं, इसलिए आपको ध्यान से उन क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा. तो हम यहाँ पर देखते हैं इसमें अगर एलिमिनेट कुछ कर पा रहे हैं तो WHO हम एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पोल्यूशन मैनेजमेंट और हेल्थ एनवायरमेंट हेल्थ प्रोग्राम की बात हो रही है. हेल्थ तो है लेकिन जो ज़्यादा डोमिनेशन हो रहा है वो पोल्यूशन और एनवायरमेंट पर हो रहा है. तो ऑप्शन इन दोनों में से एक हम गेस कर सकते हैं, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम और वर्ल्ड बैंक. अब हो सकता है कि अगर मैनेजमेंट वाली चीज़ है यहाँ पर तो इसमें फंडिंग वगैरह की जा रही हो, पैसे दिए जा रहे हों, प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन हम बी पर जा सकते हैं, वर्ल्ड बैंक पर जा सकते हैं. लेकिन अब इसको गेस करना इतना आसान नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप रिस्क कम लेने की कोशिश करें. अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता, पहले तो ये करंट इशू में रहा है पॉल्यूशन मैनेजमेंट एनवायरमेंट हेल्थ प्रोग्राम, इसके बारे में ज़रूर पढ़ लें. आंसर देखिए क्या है, आंसर वर्ल्ड बैंक ही है. वर्ल्ड बैंक ने इसको प्रपोज किया है, बहुत सारे टारगेट्स रखे गए इस प्रोग्राम के, तो इसके बारे में आप पढ़ ज़रूर लेंगे. लेकिन एग्ज़ाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आपको मिले तो ये दिखने में आसान होते हैं बट होते बहुत टफ़ हैं. तो आप लास्ट में जब कोई ऑप्शन ना बचे तब ऐसे क्वेश्चन को आप गोला फिल करें कि उसका आंसर आपका सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. आइए आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन है बोन चैलेंज पर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा. तो बोन चैलेंज के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है और इंडिया भी इसमें इन्वॉल्व है पूरी तरीके मनी में है, एनवायरनमेंट से एसोसिएटेड है, ये चीज़ें मुझे याद आ रही है. पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. पहला स्टेटमेंट है, बोन चैलेंज इज अ ग्लोबल एफर्ट टू ब्रिंग 150 मिलियन हेक्टेयर ऑफ द वर्ल्ड्स डीफॉरेस्टेड एंड डीग्रेडेड लैंड इनटू रिस्टोरेशन बाय 2020. अब देखिए इतना बड़ा स्टेटमेंट है तो शायद ही गलत हो, गलत होने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हैं. दूसरा स्टेटमेंट बोला जा रहा है, IUCN वॉज वन ऑफ द पार्टनर दैट लॉन्च्ड बोन चैलेंज. बोन चैलेंज को लॉन्च करने वाले पार्टनर्स में से एक है IUCN. अब देखिए फिर से कन्फ्यूजन लग रहा है यहाँ पर कि IUCN होगा या फिर नहीं होगा. तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, क्योंकि IUCN का जो ज़्यादा काम है वो कल भी डिस्कस किया था कि वो स्पेसीज को लेकर के होता है. लेकिन कल भी जो हमारा क्वेश्चन था वो एनवायरनमेंट पर ही था और वहाँ पर भी IUCN का जो आंसर था वो सही था. तो इस हिसाब से हम ये समझ सकते हैं कि अभी IUCN का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इवन क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी. तो इसको बहुत ही केयरफुली आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. तीसरा ऑप्शन है, इंडिया इज़ द फर्स्ट अमंग ऑल बोन चैलेंज कंट्री टू डेवलप प्रोग्रेस रिपोर्ट. ये स्टेटमेंट सही है, इस वजह से ये न्यूज़ में था, क्योंकि इंडिया पहली ऐसी कंट्री है जिसने कि अपना जो प्लेज लिया था, बोन चैलेंज प्लेज, उसके रिपोर्ट को सबमिट किया है. इस वजह से पूरा लगातार न्यूज़ में बना था बोन चैलेंज प्लेज, और इसके बारे में आप थोड़ा और पढ़ेंगे भी. मैं थोड़ा ब्रीफ यहाँ पर कर देती हूँ आपको, पहले हम आंसर देखते हैं. तो तीसरा वाला ऑप्शन अगर हमारा सही है तो उसके हिसाब से तीनों ऑप्शन सही होने चाहिए. हालांकि डी ऑप्शन में 2 और 3 कहा जा रहा है, लेकिन हमने पहले ही ऑप्शन 1 को सही माना है, क्योंकि जनरली ऐसा जो पूरा स्टेटमेंट है वो गलत नहीं होता है. तो यहाँ पर हम तीनों स्टेटमेंट पर चलते हैं और देखते हैं आंसर क्या होता है, विच इज़ सी, तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं. और आप इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए. देखिए इसको स्टार्ट तो जर्मनी में किया गया था, इसलिए इसका नाम बोन चैलेंज रखा गया. 2011 में जर्मनी में इसको लॉन्च किया गया था, हो रहा था तब, इस बोन चैलेंज को वहाँ पर भी प्रपोज किया गया था और सारी कंट्रीज़ ने इसमें मिल करके सपोर्ट किया था, और उसमें इंडिया ने प्लेज लिया था कि हम भी अपने यहाँ पर प्रॉपर लिया है, वो 13 मिलियन हेक्टेयर का लिया है. 13 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड है, देखिए यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन और डिग्रेडेशन की बात की जा रही है, तो दोबारा से रीस्टोर किया जाएगा उन लैंड को. तो यहाँ पे इंडिया ने 13 मिलियन हेक्टेयर का प्लेज लिया है 2020 तक, याद रखिए, और उसके बाद एडिशनल 8 मिलियन का लिया है 2030 तक का. तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़रूर पढ़ लीजिएगा. इंडिया बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है क्लाइमेट चेंज इश्यूज को रिजॉल्व करने में और एनवायरमेंट के हर कॉन्सेप्ट पर.
तो इसलिए क्वेश्चन आने की इस बार बहुत ज़्यादा संभावना है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन वन लाइनर है, हो सकता है कि आसान हो। पहले क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ प्रपोज्ड 15 पॉइंट फार्मूला। ये 15 पॉइंट फार्मूला देखते ही आपको एक नाम तो याद आ जाना चाहिए। अगर याद नहीं आया है तो पहले हम क्वेश्चन पूरा देखते हैं। टू कॉम्बैट एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को कॉम्बैट करने के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो 15 पॉइंट फार्मूला लेकर के आया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, मुझे तो नहीं लगता कि WHO इतनी मेहनत करेगा इंडिया के लिए। दूसरा है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB का रोल हो सकता है 50-50। सी में आते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए IMD ऐसा कोई काम अभी कर नहीं रही है। डी का ऑप्शन है नीति आयोग। बी और डी में आप सोच सकते हैं, बिकॉज ये तीनों जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडिया में बेस्ड है। तो आपको अगर डायरेक्टली याद आ गया था तो बहुत अच्छी बात है कि इसको नीति आयोग ने लॉन्च किया है। अगर कुछ लोगों को याद नहीं आया है तो उसको ज़रूर याद कर लीजिए, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और हाँ, नीति आयोग से एसोसिएटेड जो भी इम्पॉर्टेंट इंडेक्स हैं, रिपोर्ट्स हैं और इवन प्रोग्राम्स हैं, उसको एक जगह पर नोट कर लें, क्वेश्चन में पूछा जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, थोड़ा लेंदी ज़रूर हो रहा है, प्लीज़ एनर्जेटिक रहिए, पानी वानी पी लीजिए और पूरा आपको पूरा सेशन फॉलो करना है, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सारे। तो अगला रिपोर्ट है NV Stats India 2018। अब देखिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है, पहली बार सुना हुआ होगा शायद आप लोगों ने, NV Stats India 2018। अब इसके नाम से जाने की कोशिश करेंगे, कौन से मिनिस्ट्री ने इसको रिलीज़ किया है इस रिपोर्ट को। यहाँ पर पहली मिनिस्ट्री है एनवायरनमेंट, जो कि हो सकता है बिकॉज इसके नाम में एनवी ये एनवायरनमेंट को शो कर सकता है। दूसरा है नीति आयोग, तीसरा है स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन और चौथा इनमें से कोई नहीं। बट हमारे पास ए और सी का ऑप्शन है जहाँ पर हम चांस ले सकते हैं। एक तो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री हो सकती है या फिर स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री हो सकती है। तो अब आपको 50-50% का चांस लेना पड़ेगा। आई विल टेक द चांस ऑन सी विच इज़ द राइट आंसर, क्योंकि इसको इसी मिनिस्ट्री ने इस रिपोर्ट को लॉन्च किया है, एनवी स्टैट्स इंडिया 2018। इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, ये होमवर्क है, क्या इसमें रिपोर्ट्स में बताया गया है, क्या चीज़ें हैं, और ये मिनिस्ट्री का भी नाम याद रखेंगे अगर वन लाइनर में पूछा जाता है, या फिर अगर इस रिपोर्ट के बारे में ही पूछ लिया जाए तो आप बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अबाउट नहीं लिखा हुआ है तो सीधा स्टेटमेंट पर आएंगे हम। पंजाब हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट द नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल्स 2018। इसको हमने कई बार डिस्कस किया है कि किस स्टेट ने नेशनल फ्यूल पॉलिसी को लॉन्च किया है अपने स्टेट में, अपने राज्य में, फर्स्ट स्टेट कौन है। कंफ्यूज़ करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने आ सकते हैं, तो प्लीज़ गेस करने की कोशिश कीजिए कि पंजाब वो राज्य है कि नहीं है। अब अगले स्टेटमेंट पर चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी इज़ द ओवरऑल कोऑर्डिनेटिंग मिनिस्ट्री फॉर डेवलपमेंट ऑफ बायोफ्यूल। न्यू और रीन्यूएबल एनर्जी है जो कोऑर्डिनेट कर रही है इस बायोफ्यूल के काम को, मतलब नोडल मिनिस्ट्री आप कह सकते हैं। तो भाई, दोनों ही स्टेटमेंट में कन्फ्यूजन होता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट, इन दोनों में से इनकरेक्ट कौन सा है। तो अगर आपको याद हो तो बायोफ्यूल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने वाला जो पहला राज्य है वो राजस्थान है, इसको प्लीज़ मत भूलिएगा। तो पहला स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट पता चल गया कि भाई पहला वाला गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पर कि न्यू और रीन्यूएबल एनर्जी है जो इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रही है, बायोफ्यूल के डेवलपमेंट प्रोग्राम को, लेकिन ये भी गलत है क्योंकि इसमें पेट्रोलियम मिनिस्ट्री पार्टिसिपेट कर रही है। तो दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है एंड आंसर इज सी, बोथ 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। याद रखिएगा, इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, ऐसे क्वेश्चंस में आपको बहुत केयरफुली क्वेश्चन। एंड हियर वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू द कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। बहुत न्यूज़ में रहता है ये इंडेक्स, और कौन रिलीज करता है आपको बताना है, सेंट्रल वाटर कमीशन, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज और वाटर रिसोर्स गंगा रेजुवेनेशन। बहुत कंफ्यूजिंग सा आंसर है, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बिल्कुल मिलते जुलते हैं। तो वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है तो हो सकता है कि ये वाटर जो गंगा रेजुवेनेशन वाली मिनिस्ट्री है वो निकाल सकती है। सेंट्रल वाटर कमीशन भी इस रिपोर्ट को पब्लिश कर सकता है, इंडेक्स को रिलीज कर सकता है, या फिर नीति आयोग भी इसका आंसर हो सकता है। तो आप किस पर गेस करेंगे, आपके हिसाब से इन चारों में से कौन सा आंसर सही होना चाहिए? मेरे हिसाब से इसका आंसर है नीति आयोग, विच इज़ द राइट आंसर। तो अगर आपका ये क्वेश्चन गलत हो गया तो प्लीज़ इसको पढ़ लेंगे एक बार फिर से कि कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स को नीति आयोग रिलीज करती है
बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा तो गलत मत कीजिएगा। तो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने देखा, प्लीज सारे क्वेश्चंस को रिवाइज जरूर कीजिएगा बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे। अपनी कॉपी में आपको, आपने एक कॉपी बनाया है या नहीं अभी तक, आपको एक अपनी कॉपी बनानी है जिसमें वो बिल्कुल एग्जाम से दो तीन दिन पहले जब आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा तो आप उसी कॉपी को रिवाइज करेंगे, ठीक है। उसमें आप जितने भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कहीं का भी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, इस वीडियो के अभी कई सारे सेशन होने वाले हैं, उन टॉपिक्स को सीधा लिखते जाइए अपनी उस कॉपी में। और वो बहुत ही पतली छोटी सी प्यारी सी कॉपी होनी चाहिए ताकि आप उसको, आपको देखने का मन करे उस कॉपी को बार बार, और उसको आप देखें तो सिरदर्द आपका ना हो जाए कि इतनी मोटी सी कॉपी है कौन इसको पढ़ेगा। तो सब लॉजिक रीजनिंग को ध्यान में रखते हुए तैयारी करें। और आज का कोटेशन देखिए क्या है, ट्रेन योर माइंड टू बी काम इन एवरी सिचुएशन, ठीक है। जैसे आपको लगातार बताया जा रहा है कि अभी पैनिक वाली सिचुएशन है, बहुत घबराहट भी हो सकती है एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, लेकिन आपको हर सिचुएशन में काम रहना सीखना पड़ेगा। ये मैं बात 2 जून की कर रही हूँ, 2 जून की। जब आपके सामने पेपर आएगा तो ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन एनवायरमेंट से शुरू हो, ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन इकोनॉमी से शुरू हो, बाय चांस आपके पास अगर सीरीज बी आ जाए और उसमें आपके जो क्वेश्चन हैं वो आर्ट एंड कल्चर से स्टार्ट हो जाए तो आपका दिमाग घबराएगा, परेशान हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है कि मुझे परेशान नहीं होना है, आगे अभी मुझे ऐसे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो मुझे आते हैं, एंड आई विल बी एबल टू क्रैक दिस प्रिलिम्स डेफिनेटली। याद रखिए इन चीज़ों को और अपना ख्याल रखिए, अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, समय का ध्यान रखिए, साथ में अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए बिकॉज ये बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम चल रहा है आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही। नाउ वी हैव इंस्टीट्यूशन इन्फॉर्मेशन। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोग, रिजल्ट आ चुका है अभी, सीबीएसई बोर्ड का भी रिजल्ट आ चुका है, 12th पास वाले बच्चे जो लोग आने का प्लान कर रहे हैं दिल्ली, अगर आस पास में हैं तो उनको बताइए कि इस प्रोग्राम में जल्द से जल्द जुड़ें। और ऐसे लोग जो ग्रेजुएट हो गए हैं उनका भी रिजल्ट आ गया होगा या रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो देखिए रिजल्ट तो आ ही जाएगा, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर आप आईएएस बनने की तैयारी में लगे हैं 2020 में तो आपको पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए और ये सही समय है। आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट में पता कर सकते हैं, इस पर फ़ोन कर सकते हैं, डिटेल्स ले सकते हैं, सारी जानकारी आपको वहाँ पर दे दी जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट है कि नोटिफिकेशन नहीं आता है, वैसे तो वीडियोस का एक ऑलमोस्ट टाइम बन चुका है खास करके इस सेशन वाली वीडियो का, लेकिन फिर भी आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और प्लीज़ शेयर कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप पर। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।